हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज सुबह सुबह मैं गया था वीडियो बनाने, उससे पहले बता दूँ, अगर आपने किसी ने मुझे से मिलना है तो मेरी शॉप है अगर सैन चौक पे, यूट्यूबर मनी के नाम से। यूट्यूबर मनी लेमिनेशन, मोबाइल लेमिनेशन, लैपटॉप कैमरा, सब कुछ लेमिनेशन करता हूँ मैं ओवरऑल, चाहे वो पेपर फोटोस्टेट वाला लेमिनेशन हो, सारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आगे मिल सकते हो, पर मैं शॉप पर कम ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। आज की गीता जयंती में बहुत भीड़ है, और आज की गीता जयंती में पहले सबसे पहले अभी हाय सैम हाय, और आज मैं कोई भी शॉप कवर नहीं करने वाला, आज मैं सिर्फ आपको मेला दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात कि आज का सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगूड़ा बंद है, नहीं तो उसमें बैठा के मैं शॉट कवर करने वाला था, पर आज की वीडियो लंबी होगी और आज की दो वीडियो आएगी, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि ये पहली बार तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बल्कि आप देख सकते हो कि इस साइड में काफ़ी भीड़ है, सोचो कि उस साइड तो डबल भीड़ होगी, डबल। मैं अभी उधर से इधर आया तो मुझे 15 मिनट लग गए उधर से इधर आने में, इतनी भीड़ है। तो फ्रेंड्स जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो 15 मिनट का लगा लो, आधा घंटा पार है, क्योंकि भीड़ भी मिलती रहती है। तो क्या हुआ, आज मैं जहाँ पे 18,000 बच्चे आए हुए थे वहाँ पे मैं शूट करने गया था, वहाँ पे क्या हुआ सीन मेरे साथ कि मैं जैसे शूट कर रहा था वहाँ आगे चला गया था, मैं वहाँ में मीडिया का एरिया एक अलग बैठा हुआ था, मतलब कि जगह बनाई हुई थी, वहाँ तक मैं चला गया था, तो वो कह रहे थे कि आपके पास पास नहीं है, आप यहाँ कैसे आ गए। उसके बाद उस बात को बतंगड़ बना दिया उन्होंने कि तुम्हारे पास ये मेडल कैसे आया। मेडल मुझे सर ने, आपने वीडियो देखी होगी आपको पता होगा कि सर ने स्टार्टिंग में मुझे मेडल दे दिया। मैंने सोचा शायद ये सबको जो वहाँ पे आए हुए हैं शायद उनको सभी को दिया होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 18,000 एक साथ गीता उपदेश है जो वो पढ़ रहे हैं, गीता उपदेश पता नहीं गीता के सार कुछ वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो वो पढ़ रहे हैं, तो एक रिकॉर्ड है कि 18,000 एक साथ श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है 18 श्लोक है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, मुझे बहुत जनों के कमेंट आए थे कि हाँ भी वहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, कई जनों ने बताया था, कमेंट आए थे, तो मैंने उसको कवर करने की कोशिश की। बीच में होते ना ऐसे टाइप के लड़के जो फुकड़े होते हैं, फुकड़े, उनकी पोस्ट हाई है तो उनको बोलने तक का नहीं पता, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सारा बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तेरे पास ये मेडल कहाँ से आ गया है, तू लेके चल। उसके बाद एक बार बंदा बोल देता है कि आपको मेडल कहाँ से मिला, किस सर ने दिया, आप हमें उनसे मिला दो, शायद उनको ना पता होगा कि यहाँ भी सभी को नहीं देना, ये सिर्फ बच्चों को देना है, ठीक है। ओवरऑल उन्होंने टीचर्स को भी दिया था, सबके पास वो मेडल था। तो बस ये सीन था जिसके कारण से आज मेरा सुबह मूड ख़राब हो गया था, तो अभी मैं वीडियो बनाने आया हूँ। अभी यहाँ 3-4 बज चुके हैं, तो अब हम वीडियो शूट करने वाले हैं मेले की, आज मेला ही शूट दिखाऊंगा, मेला लंबा होगा उसके लिए सॉरी। और हाँ, जैसे मैं आज शूट करता हूँ इसको रात या सुबह तक ये अपलोड कर देता हूँ, यार डिले नहीं करता। तो ओवरऑल मैंने डे 1st से लेके डे 15 तक अपलोड कर दिए, आज का डे 16 जो आज का जो हुआ था वो डे 16 में डाल दिया। तो चलो अब मेला स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। इधर भी बहुत है और भीड़ इधर भी बहुत है, जाना किस साइड है ये हमें पता नहीं, पर मैं इस साइड से जाऊँगा, बल्कि आज पूरा राउंड करेंगे और बीच में हम मेले वाली बाहर वाली साइड में निकल जाएंगे। तो चलो चलते हैं, ठीक है, अब इधर से नहीं निकलेंगे, इधर बच्चे बैठे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब करना, हम जाएंगे इधर से, ठीक है हम इधर से जाएंगे। तो अभी आज आपको जो मेला दिखाने वाला वो ज़बरदस्त वाला होने वाला है, अगर आप कैमरे में आते तो देख लेना, ये वीडियो आपको कल सुबह ही मिल जाएगी। सुबह बाय चांस क्या होता है कि वीडियो अगर लंबी हो तो वो एडिटिंग होने में टाइम लगा देती है, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। वो इधर शूट चल रहा है भाई का, भाई अब मैं निकल जाऊँ आप भी जाओ, कितने जल्दी चलेगी। तो फ्रेंड्स आज की जो भीड़ है मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी इस एरिया में कम भीड़ होती है, पर आज इस एरिया में भी बहुत भीड़ है। ओवरऑल ये लास्ट संडे है गीता जयंती का, तो आज बहुत भीड़ होएगी, कल और परसों का दिन है, 10 तारीख को गीता जयंती ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, शॉप्स में बहुत भीड़ है, शॉप्स ओवरऑल सारी बल्कि बिजी हैं, ठीक है ना, जिनका भी दिन है वो संडे सिर्फ पूरे दिन में गीता जयंती में संडे वाले दिन रहता है, और आज कॉपीराइट स्ट्राइक के चांसेस नहीं है, क्योंकि आज गाने कहीं पर भी नहीं चल रहे, और आज हम जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, और कोशिश करूँगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे वीडियो में, क्योंकि मूड मेरा पहले से ही ख़राब है, ठीक है। तो हम आगे जा रहे हैं, और बीच में बस बदतमीज ना मिले, बाकी ओवरऑल तो है ही है, हम आगे जा रहे हैं। बाकी हाँ, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी वो काफ़ी जने मुझे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हो आप, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। पर यार अगर आप वीडियो देखते हो उसको लाइक भी कर दे करो, लाइक करने से काफ़ी मोटिवेट मिल जाता है जब आप लाइक कर देते हो, ठीक है। ओ भीड़ चेक कर सकते हो आप ऊपर से, ठीक है, और मतलब कि इसके ऊपर हम जा नहीं सकते, नहीं तो मैं ऊपर से आपको भीड़ दिखाता और कितनी भीड़ आपको दिखती, बाकी मैं दिखा दूंगा कि आपको जितनी ओवरऑल कितनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ अगर कोई कैमरे में आ गया तो वीडियो मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगा, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। अब तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट गेट नंबर 1st भी आ रहा है, ठीक है, 1st गेट आ जाएगा, उसके बाद हम इसको
आज स्किप नहीं करूँगा मैं, एक से बता दूँ, इसलिए ये लंबी भी हो जाएगी। तो आज हम सब ये मेला देख रहा है, मेला देखने के बाद बैठ के मेला देखना, ग्यारह वाला मजा आता है, ये यादें होती है कि हाँ हमने मेला देखा है। ठीक है, इधर खाने पीने वाली सारी ओवरऑल सभी शॉप्स पे भीड़ है। ठीक है, अभी हम आते हैं और यहाँ पे आज स्कूल भी बहुत आए हुए हैं, डीएवी स्कूल आना था आज, जो कि आया होगा पता नहीं कहाँ होगा, और मैंने वीडियो इधर से स्टार्ट की है। ठीक है, तो वैसे मैंने सारा कुछ दिखा दिया, कल मैं क्या करूँगा, कल मैं शॉपिंग दिखाने की कोशिश करूँगा, मतलब कि शॉप्स सारी शॉप्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पॉपकॉर्न पे आज ओवरऑल सभी शॉप्स की भीड़ रहेगी रहेगी, क्योंकि आज गैदरिंग बहुत है, बहुत जाने पब्लिक आई हुई है। और अभी तो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना आगे आगे, इतनी भीड़ हो जाएगी तो कैमरा ऊपर ही रहेगा, नीचे आएगा नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे भी कवर कर लूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आज शोर भी बहुत ज़्यादा आएगा बैकग्राउंड में ना। और हाँ, जिन्होंने वीडियो देखे वो भी आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी वीडियो अच्छी होती है, उनकी कई तो होते हैं कि हाँ भी कैमरे में आने के लिए कर देते हैं डिस्टर्ब, और कई होते हैं कि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होती है तो हाँ भाई अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, पर कई होते हैं ना कि चिचड़ बन जाते हैं, वो चीज़ सिस्टम नहीं बढ़िया लगती। अब तो हम आगे जा रहे हैं, और आज संडे या डे हैगा या संडे, और तारीख है ये 8 तारीख, 12वां महीना 2019, भाई देख लो आधा महीना बीत चुका है। ठीक है, और कुछ ही टाइम रह गया, आधा महीना बीच में 15 तारीख तक महीना हो जाएगा, और उसके बाद अभी एक नंबर गेट, ये एक नंबर गेट है। ठीक है, और इधर, और ये सीधा जाएगा, कितने पूरा बड़ा बड़ा है, और अब ये ऊपर ही रहेगा, अब ये कैमरा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ चलना दिक्कत हो रही है, वीडियो बनानी तो दूर की बात है। और अभी मैं बैक कैमरा चला तो आपको सारी पब्लिक दिखेगी ऐसा पूरे बैक कैमरे में, तो चलो अच्छे देखिए। अब आप भीड़ देखोगे, देखने वाली भीड़ होगी एकदम जहर वाली भीड़। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि कैसा दिख रहा होगा, पर मैं जब उसके ऊपर जाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी हम आगे जाए, और हाँ को पता है ये ट्राइपॉड है, पर फिर भी बीच में उन्होंने डिस्टर्ब करने करना है, पर ठीक है आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, सपोर्ट करते रहा करो। हाँ, जब मैं मुझे जो बंदा जब मैं गया था वहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो बीच में जो टोक रहा था, बीच में जो एक मेरा सब्सक्राइबर है वो भी बीच में बोल रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम इनकी वीडियो देखते हैं तो इनको वीडियो बनाने दो, उसने उसको इग्नोर कर दिया और फिर आगे चल दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है ना, बल्कि ये नहीं कि लाइक ही लाइक करते हैं, और कई जगह पे वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। हम अब पुल के ऊपर आपको भीड़ दिखाएंगे खड़े होके। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, अभी हम आगे जाएंगे, उससे पहले भी आपको भीड़ दिखा दूँ, कैमरा पूरा ऊँचा करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये वाली जहर वाली भीड़ देख लो आप। ठीक है, अब पूरा ऊपर करके दिखाऊँगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरी इधर पूरी भीड़ है, ये बंद हुआ है सारा, आज सारा का सारा एक भरा हुआ है। ठीक है, ये मंदिर है। ठीक है, ये अभी सूरज है, बल्कि अभी टाइम क्या है, 4 बजे हुए, 4:30। ठीक है, और भीड़ देख सकते हो आप, आज जहर वाली भीड़ है। हाँ, तो यहाँ से निकल आएंगे, बल्कि ये इसी साइड भीड़ नहीं है, पल्ली साइड बाहर, ये बाहर वाले एरिया में भी बहुत भीड़ है। ठीक है ना, जो कई घर जा रहे हैं। ठीक है ना, जी आप देख सकते हो। और आज मैं कमेंट में शॉप्स नहीं दिखाऊंगा, और वैसे शॉप का कोई कमेंट नहीं आया, एक इधर इस साइड शॉप थी जो भाई कह रहा था कवर कर दियो, तो नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, कल हम एक वीडियो बनाएंगे। तो पर फिलहाल आप ये रश देख सकते हो, जहर वाला रश है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। आज शाम को सतेंद्र सरताज जी आने हैं, मैं वो भी कवर करूँगा, वो अलग पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, और अगर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो मैं उसको हटा दूँगा। अब बैक कैमरा चला के दिखा देता हूँ, पीछे चल रहे थे ना, वो चल रहे थे। ठीक है, अभी प्रदर्शनी चल पड़ी है, और प्रदर्शनी में आपको दिखा देता हूँ, प्रदर्शनियाँ वैसे आपने देखी हुई है, तो आज ये जैसे प्रदर्शनी चलेंगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वैसे भीड़ बहुत है। ठीक है, अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी आगे जा रहे हैं, भीड़ में फंसे हुए हम, और आगे जाते हुए हम, बीच में कहीं हंसेंगे कहीं रोएंगे, पर हम आगे जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। कईयों को ऐसे लगता है कि हाँ भाई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, कई ऐसे घूरते हैं, जैसे कईयों को पता नहीं है ये सेल्फी स्टिक है या फिर ट्राइपॉड स्टैंड है। आज आप देख लो जो मेला है, तो ओवरऑल आज भीड़ भी बहुत हुई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर नेट की स्पीड अच्छी खासी होती तो मैं लाइव भी चल रहा होता, पर अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं झूले जहाँ है ना वहाँ जा रहा हूँ, और झूलों पे मैं बैठने के पूरी मैं आपको झूले दिखाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। संडे वाले दिन तो वो वीडियो जो होती है वो ऐसे ही होती है जिसमें कि आपको रश देखने को मिलता है, कोई कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, बल्कि मेले का एक फील आता है, पूरा पूरा मेले का फील, ठीक है। संडे वाले दिन ठीक है, वो जान शान वाला अपना देख लो, ठीक है, आप चेक कर लो। और कईयों को लगता है मैं लाइव चलता हूँ भाई, जहर ये कर रहा हूँ मेला एंजॉय, नीचे बैठ गया पूरा जहर वाला, ठीक है। और हाँ, ये 30-30 रुपये वाला मेले वाला सीन तो यही है, ये मैं लेके गया था चिंटू के लिए, ये बना लेता पर हमसे नहीं बनता ये, वैसे अभी तो दूसरा बंदा बना रहा है, पर ये काफ़ी स्मूथ चला रहा है, पहले इनका पेन बड़े वो होते हैं। और आज आज मेले में घूम भी बदले होंगे, और अभी मैं जिस थड़े से दिखाऊंगा ना उस थड़े से आपको पूरा ऐड दिखेगा कि हाँ अभी कुछ है। और आज की वीडियो सिर्फ इस मेले की भीड़ है, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने जने लोग मेला देखने आते हैं, और 2.5-3 लाख लोग तो आते ही आते हैं, 2.5-3 लाख। ये फोटो खिंचाते हैं कि यहाँ पे हम आगे जाएंगे, ठीक है। कोई छुप के आया हो तो भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर वीडियो में आ गए तो पहले बता देना और संतुष्ट रहना। लो नहीं मैं नहीं टीवी पे दिखाता, आ गया तू, अब कर ले कुछ करना, बस कर लिया, फोन में नहीं दिखा। अच्छा 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 मेरी फ़ोन में फ़ोटो देखी भाई ने, अंकल सोचा अंकल, हाँ हाँ भाई हाँ, मैं ब्रह्म सरोवर गीत जयंती का मेला, ब्रह्म सरोवर गीत जयंती का मेला कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र दिखा दूँ। अच्छा फ़ोटो नहीं था रही, मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना ली तेरी, अब देख लो ये कहाँ पे आएगा। तो हम आगे जा रहे हैं, और अभी मैंने स्किप नहीं की, ठीक है, अभी मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर जाके ना बैक कैमरा दिखाऊंगा और एकदम ट्राइपॉड पूरा ऊंचा करके दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से वीडियो देख पाओगे। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। इधर भीड़ बहुत है, बल्कि ऊपर जाने एक मुसीबत है, तो यहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है, प्रदर्शनी कौन सी चल रही है, वो इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर चला जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अभी इधर प्रदर्शनी चल रही है, मैंने हमेशा आगे ऊपर खड़े होकर प्रदर्शनी बनाई है, आज मैं यहीं पर बनाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा होगा, ये हिमाचली है, पता नहीं खाया मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा उसके लिए, क्या करें। तो फ्रेंड्स इधर आप देखो, देखने वाले कितने जने हैं, ठीक है। अभी मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, बस मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, ट्राइपॉड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इधर इधर डांस चल रहा है, जो ये सारे डांस देखने के लिए रुके हुए हैं, और डांस में प्रदर्शनी कौन सी चल रही है मुझे पता नहीं है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, और मैंने ट्राइपॉड अपना बड़ा कर दिया, ठीक है, और ये कड़वा लूँ, चलिए कड़वा लूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि कैमरा मैंने बहुत ऊपर किया हुआ है, और अगर ऊपर नहीं करूँगा तो आपको सही नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो गा रहे हैं आ, ये मेरा दिख रहा है ऊपर बैठ के, ये सही मेला दिख रहा है। आपने भी अगर कभी बचपन में ऐसा मेला देखा है ऊपर बैठ के नेड़ों पे, तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो अभी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, और वीडियो वो 5 मिनट की यही वीडियो बन गई, बीच में थोड़ी स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और ये स्कूल भी आए हुए हैं, स्कूल आए हुए हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत भीड़ है फ्रेंड्स, भीड़ ज़्यादा आया, बहुत बहुत भीड़ है, और मैंने एक सेल्फी स्टिक ऐसे की हुई, ऐसे चल रहा हूँ, और बीच में कोई आए ना, अगर आ भी गया तो मेरा मोबाइल सेफ होगा, ठीक है ना, मैं चली ऐसे ही रहा, ठीक है। बाकी आज भीड़ बहुत है, और मैं झूले पे जाने वाला हूँ, और झूले पे जाके फिर हम झूले पे बैठेंगे, ऐसे ऐसे मोबाइल कैमरा घुमाने का एक सोच है कि कैसा लगेगा, कैसा शूट होगा वो, ठीक है ना, कि अगर हम वैसा शूट लेते तो शूट कैसा लगेगा, ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी आज रात, और कोशिश ये करूँगा ये ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे वहाँ पे रोमांच चल रहा है, ठीक है, 12 महीने अभी मतलब
यहाँ पर रामलीला चल रही है, मैं दिखाता हूँ भैया, पर आपको पता ही होगा ठीक है, ये चल रही है अभी, ये पढ़ सकते हो ब्रह्मसी रामलीला, पता नहीं कौन सी होती है, मैंने देखी नहीं, पर अच्छा इधर सीन है, सीन है, सीन है, ओ दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, मुझे नहीं दिख रहे, पता नहीं दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे, छोड़ो परे, हम आगे जा रहे हैं ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा, हम आगे जा रहे हैं और आगे आपको मेला दिखाते हैं ठीक है, इधर रामलीला चल रही है, हम आगे जा रहे हैं। ओहो मेरा माइक भी गले के अंदर चला जाता है, क्या करूँ मैं, ये रामलीला देखनी है, जल्दी जल्दी भागो ठीक है। और आज प्रदर्शनी में मेलों में बहुत मज़ा आने वाला है, अगर आप आए हो, बस कहीं को मज़ा आने वाला है, कहीं को नहीं मज़ा आने वाला, कहीं कहीं को भीड़ पसंद नहीं होती ठीक है। अभी हम आगे जा रहे ये अगर मेरे साथ कोई होता तो ज़्यादा मज़ा आता ना कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए कोई है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते ठीक है। इधर जुलबियाँ जुलबियाँ मिल रही हैं जो सिकारी मिल रही है, पर मैं आगे जा रहा हूँ, हम आगे जा रहे हैं, खट 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 करके। ये पानी में किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया था कि पानी में लाइटिंग शो होता है, ये शाम को होता है, रात को होता है, और आज रात तक यहाँ पे भीड़ रहने वाली है ठीक है। मैं शूट कर रहा हूँ, जो शूटिंग का टाइम है मेरा 3 से 4 है ठीक है, और मेरा यही रहेगा कि मैं थोड़ा बड़े बड़े क्लिप ना लूँ, छोटे छोटे क्लिप लूँ, तो चलो थोड़ा स्किप, हमारी भी आने दो, लो बाइक की भी वीडियो आ गई ठीक है, और बाइक की वीडियो आ गई, हरियाणा में मुझे समझ तो आ जाती है पर बोलनी नहीं आती, कई जगह बोलनी नहीं आती। हाँ भाई हैं ये लड़के गोठन्नी चवन्नी भी आवा अग्नि आवा है रोटवाड़ी लमकी। ओके तो फ्रेंड अच्छा लगता है ना ऐसे, मतलब मिलने देखते हैं, देखना आते हो अपने दोस्तों के साथ और अब मस्ती करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, पर अपने पास टाइम ही नहीं है। ओके गए, हाँ भाई मैं यूट्यूब पे कर लूँगा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अभी हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये चेक कर सकते हो, आज भीड़ ज़्यादा है इसलिए वीडियो को टाइम लग जाता है। मैंने कमेंट किया था कि भाई वीडियो छोटी बनाया कर, पर छोटी बताओ कैसे छोटी बनाओ, अगर आपका थोड़ा सा अभी चल रहे हो आपको मिस कर दिया तो कैसे लगेगा आपको, क्योंकि आपको ए टू जेड पता होना चाहिए ना, कौन कैसा है, कौन कैसे बाल बना गया है, कौन कैसे लुक में आया है ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए ना। तो अभी हम आगे जा रहे हैं ठीक है, ये चेक कर लो भीड़ है, खचाखच भीड़ पड़ी हुई ठीक है, बाकी अगर कोई कमेंट मिस हो गया उसके लिए सॉरी, यहाँ से शॉप थी ये भाई ने कमेंट किया था मुझे कि भैया हमारी वीडियो बना दो, आप हमारी वीडियो नहीं बनाते, यहाँ पे आते हो चले जाते हो, ये शॉप आपने देख ली है ठीक है, और मैं कल या परसों तक मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें सारी शॉप दिखाऊंगा, और वो वीडियो मैं ई रिक्शा पे बैठ के बनाऊंगा, उसका रीज़न ये रहेगा 3 किलोमीटर अगर मैं पैदल चल के बनाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, और अगर ई रिक्शा पे बनाऊंगा वीडियो भी छोटी रहेगी और आपको ओवरऑल सारी शॉप्स का भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे है क्या क्या ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं ठीक है, और एकदम आगे जा रहे हैं और जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, ये गुब्बारे बेच रहे हैं ठीक है, और देख सकते हो ये घर बनाने को मिलता है, ये सारी बुक्स रहती है और ये हार्ड ठीक है, पर हम अभी आगे जा रहे हैं ठीक है। मेले में गुब्बारे, सारे गुब्बारे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे तो कैमरे में मुझे नहीं पता कैसे लगे होंगे, यहाँ बदाम बदूम भी मिल रहे हैं ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, वो चाको किस्ती चल रही है इधर ठीक है, बीच में चेक कर रहे सारा ठीक है, ओके है, कई मुसाफिर बैठे हैं मुझे टूर के लिए यहाँ पे लेते हैं, झूठे के लिए अलग पैसे लेते हैं, पर हम अब आगे जा रहे हैं, मोर पंख लेने हो तो यहाँ ले लो, वैसे मोर पंख अच्छे होते हैं ना घर में घर के लिए, पर हमने अभी शूट करना है तो हमें अभी इसको नहीं लगे, बनी कितना प्यारा है इसके हाथ में, बनी बढ़िया चॉइस लड़की की बढ़िया थी, खरगोश घर में, पर ये ना अभी अभी बढ़िया लग रहा है पर जब गंदा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो हमें आगे जा रहे हैं, आपने मिलने में क्या क्या खरीदा मुझे बता देना ठीक है, हम तो आगे जा रहे हैं, भाई के पास खूब सारे मोर पंख है ठीक है, सारे अलग अलग है, आंटी ने पूछ दिया कैसे दिया, वो चक्को जनाने पूछ के पड़ गई,
और शर्ट पे, ठीक है, पर हम आगे ही जाते रहेंगे और हम अभी बाहर निकल जाएंगे, झूले में जाएंगे, झूले में जाएंगे, झूले लेंगे। आप भी ऐसे बोलते होंगे कभी, हम झूले लेंगे, हम झूले लेंगे, और हम आगे जा रहे हैं और ऊपर कर देते हैं। ऊपर मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि भीड़ आ गई और भीड़ में मेरा बाई चांस मोबाइल नीचे गया और उस मोबाइल पे मेरा हाथ, और वो हाथ की वजह से मेरे हाथ पैरों को चिसड़ चिसड़ मिलने में ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, पी पी करने वाली, ठीक है ना। तो इधर चेक कर सकते हो, ड्यूटी वाले बंदे भी खड़े हुए हैं जहाँ शोर शराबा ना हो। इस बार गीता जयंती में मुझे लगता है कि ज़्यादा भीड़ है, पिछली बार इतनी भीड़ थी नहीं, पिछली बार कम थी, इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ लग रही है, ठीक है। और इस बार कुछ अलग भी है, ठीक है, अलग मतलब काफ़ी कुछ अलग है, जैसे रोबोटिक्स के कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार सिखाने वाला भी काफ़ी कुछ लगा, पर अगली बार हम ले लेंगे पास। ऐसी जगह घुस घुस के वीडियो बनाएंगे ना कि आप याद रखोगे हाँ अभी वक्त की वीडियो आई है, जो चीज़ आप एकदम नेड़े से फील कर सकते हो। सपोज करो जो मैं दूर से बना रहा हूँ वो एकदम पास से वीडियो बना पाऊँगा, कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई मतलब दिक्कत होएगी नहीं, ठीक है ना। मतलब बात और छाती चौड़ी करके चले तो कैसा लगता है, ऑर्डर इतना ऑड आज से, मतलब कि छाती है नहीं फिर भी ऑड करके चलना तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो बस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे झूले हैं और झूलों के ऊपर बैठेंगे और भाई ये वीडियो सारी देखेंगे, बड़े छोटे सारे देखेंगे, क्योंकि क्या बताएं हम आपको। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, बीच में मूड खराब हो जाता है पर मैं आगे से बाहर हो जाऊँगा। शेयर लाइक करें, कहाँ करें शेयर लाइक करें मेरे चैनल, आप गीता जयंती का मेला मार लेना सर्च, बस वो आपको मिल जाएगी। शेयर लाइक करें यूट्यूब पर, यही सही है, शेयर लाइक करें। तो अभी हम बाहर जाने वाले हैं और अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है, पीछे देख सकते हो इतना बड़ा मेला जा के आया हूँ मैं पीछे, ठीक है। अभी हम बाहर जाने वाले हैं यहाँ पे बाहर गेट नंबर 7 से, ठीक है। भाई बोल रहा है हमारी बना ले, ठीक है, भाई की हमने बना ली पर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए भी काफ़ी भीड़ है, ठीक है। अब हमने जाना है जहाँ झूले हैं, ठीक है, झूले लेंगे, झूले लेंगे हम। भीड़ 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 देख लो, सिर्फ अंदर ही नहीं इतनी गैदरिंग, अंदर ही नहीं इतने बच्चे, बाहर भी बहुत है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ओ झूले चल रहे हैं पर जो गोल गोल घूमने वाले चल ही नहीं रहे, ये बंद है, पर लेने तो हमने यही थे पर दिल्ली टूट गया। ओ चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, भरने के बाद चल रहे हैं, भरने के बाद चल रहे हैं, ये तो रहे हैं पर भरने के बाद चल रहे हैं। तो देखते हैं अगर हम झूले में बैठ गए तो बैठ गए। मैं फ़ोन कर रहा चिंटू को पर चिंटू का अभी फ़ोन लग नहीं रहा। सतिंदर सरताज जी आना है, मज़ा आ जाएगा। अगर कोई प्लेयर स्ट्राइक नहीं आई तो आपको अच्छे क्लियर क्लैरिटी से दिखाएंगे और दूर से ही कवर करूँगा क्योंकि जहाँ पे मीडिया वाला होता है वहाँ पे तो है नहीं। वैसे आपको पता जो मैंने कल शूट आज सुबह शूट कर रहा था ना वहाँ कोई ऐसा सीन था नहीं मीडिया वाले ने कि हमारे पास पास है आप यहाँ आगे। अगर बंदा वही प्यार से बोलता ना कि भैया आप यहाँ शूट मत करो यहाँ पे सिर्फ पास वाले एरिया है, ठीक है, तो क्या होता तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। मुझे इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा कि छोटी सी बात को इतनी बड़ी बड़ी बात करने का जरूरत ही नहीं थी। चलो मेला देख लो इधर मेला, और हमने कहाँ जाना झूले पे, झूले पे जाके आपको झूले दिखाने हैं, उसके बाद हमने वीडियो का एंड कर देना है, बाकी हम थोड़ा मेला इन्जॉय करेंगे, ठीक है। और बस और सतेंद्र सरताज की वीडियो शूट करनी है मुझे, ठीक है, और बस अभी 10 दिन कंटिन्यू 12-13 दिन कहते 18 दिन चलते हैं एक चीज़ और सुन। काट रहा है देख, काट रहा है गुस्से में आ गया। अरे मत छेड़ उसको, हवा कर ना कर अच्छे रहना नहीं वो तोड़ देगा कैमरा मेरा, ये मेरा सच्चा दोस्त है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है, काफ़ी क्यूट सा था वो किचोटा सा, ठीक है। अभी भंगूड़े चल रहे हैं, जिनको डर लगता है वो भंगूड़े मत बैठना, अभी आज तो भंगूड़े की टिकट भी बड़ी महंगी हो गई है। चलो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक
ठीक है। तो आगे जा रहे हैं, बर्गर बुर्गर खाने को लगे हुआ है, मेला काफ़ी है इधर आज, ठीक है। और वीडियो मुझे लंबी नहीं बनानी, छोटी बनानी है, कि उन्होंने बोला कि छोटी वीडियो बनानी है, तो छोटी ही वीडियो बनेगी। सुंदर सरताज जी जहाँ पे आने हैं, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट यहीं पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। देखो भाई आज हम घूम रहे हैं गीता जयंती जी, गीता जयंती घूम रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो तो नहीं पाई थी ना, अरे गीता जयंती मेले में हमारे भी चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर दियो और इन एडमेंट के नाम से सुन लिया कर देना, जाके देख लेना भाई किस कंसेप्ट में बनाता है वीडियो। तो हम आ रहे आगे स्विमिंग बाय मनी भाई, स्विमिंग बाय मनी, मनी 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 स्विमिंग बाय मनी। तो इधर है ना सुंदर सरताज जी आने हैं, मैं कल अभी आज ही शूट करूँगा, पर मुझे लगता है मैं हम गर्ल्स साइड पे हैं, एंट्री पल्ली साइड से है और हम इधर से जा रहे हैं। और इन्होंने तो आधा समेट भी लिया, बल्कि यहाँ जो लगा था ना इन्होंने आधा समेट भी लिया, मौत का कुआ और ये गोल गोल घूमने वाले, ये अभी मैं गोल गोल घूमने में बैठूँगा और कहीं नहीं बैठूँगा, गोल गोल घूमने वाले में मैं ना मौत के कुएँ के वाले वाले के पास बैठूँगा, वो पूरा मेला शूट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा, अरे चलो हटो आगे जाने दो, आगे जाने दो, मेला बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा मत खा के बीमार पड़ जाना, ये क्या कर रहे हैं, इस पे बैठना है और इसी पे कैमरा दिखाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे बैठ के बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। अब इस पे बैठना है, हमने एंट्री करनी है, पूरा दिखाना है हम आपको। और यहाँ क्या है, एंट्री चले जाएंगे इसके अंदर, हाँ जी टिकट लगा दी भाई, इन्हें अंदर जाना है तो आपको 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ से, और उधर भी टिकट है अगर अंदर आपने अंदर जाना है, ये इसलिए किया इन्होंने कि भीड़ ना लगे, ठीक है। और अंदर अगर आपने बड़ा झूला लेना है तो इसके 70 रुपये हैं, ठीक है, और अगर आपने छोटा झूला लेना है उसके 50 रुपये है। तो सबसे पहले हमें 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इधर चेक कर सकते हो, ये इधर काफ़ी भीड़ है, तो चलो अब चलते हैं अंदर, जा रहे हैं। ये पहली वीडियो मेरी पेड है, नहीं तो ओवरऑल मेरी सारी वीडियो ऐसे बनती है, ठीक है। ये पहली वीडियो है जिसमें आपको अरे टिकट लेनी भी है या कुछ है नहीं, ये क्या एंट्री उधर से हो रही है, उधर से एंट्री हो रही है, पर एंट्री उधर से ऐसे हो रही है, एंट्री उधर टिकट लेनी पड़ती है, टिकट लेनी पड़ेगी उधर से, टिकट लेनी है टिकट ले लो यार, 10 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा, टिकट ले रही है टिकट, ये कहाँ से मिलेगी टिकट, टिकट कहाँ से ले रही है, कहाँ कहाँ ये कहाँ, इधर कह दी कहाँ, तो टिकट है यहाँ से, अगर आपने अंदर जाना है ना तो यहाँ से टिकट लो, पहले खड़े हो गए यहाँ लगे टिकट 10 रुपये की एंट्री टिकट, तो चलो एंट्री टिकट टिकट लेने के लिए खड़े हैं, बीच में मेरी आधी वीडियो तो ऐसे लंबी हो जानी है, तो 10 रुपये मेरे पास खुलने नहीं है, पंगा पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो अभी भाई एक टिकट, एक टिकट, एक चला, तो एक टिकट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये यहाँ बैठे हुए हैं और एक टिकट ले रहे हैं, 90 रुपये की आएगी, बाकी हम झूले लेंगे गोल गोल वाले, वहीं पे आपको वीडियो दिखाएंगे, टेंशन लेनी आप, टिकट यहाँ पे मिलेगी एंट्री सिर्फ अंदर देखने देखने के लिए, पहले मैंने अंदर दिखाया हुआ है, वैसे मैंने अंदर सारा कुछ दिखाया हुआ है, 10 रुपये और भैया, एक दो तीन चार, 40 पूरे हैं, ठीक है। और टिकट कुछ ऐसी है, ठीक है। अब ये टिकट ले लिया, अब हम अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद 70 रुपये लगेंगे आपको वीडियो दिखाने के लिए, अगर झूले से हम झूलते तो कैसा लगता है, कैसा फील आता है, कैसा आता है ये भाई, हाँ जी भाई, भाई नोट 10 प्लस, तो आगे तुमने टिकट देनी है भाई, फाड़ देगा टिकट को, बल्कि 10 रुपये 2 मिनट में फाड़ देगा, फाड़ दिया भारदी भाई ने, ठीक है। अब हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। एक तो एडवर्टाइजमेंट ऊपर से पैसे करते हैं, वाह वाह। तो अभी हमने लेना है झूला, झूला लेना है ये बड़े वाला झूला लेंगे पल्ली साइड से, ठीक है। और वो दूसरी साइड लगा हुआ है, ये इधर और उधर लगा है, वैसे ये इधर वाली साइड सही रहेगा ना, हाँ इधर वाली साइड से हम झूला लेंगे, पहले हम दिखा रही गेम में मैंने दिखा रखी हैं, और देख लो इधर मेला पूरा खचाखच भरा पड़ा है, ठीक है। इधर क्या करो, इधर डल गया रिंग, डल गई और रोला खवा खप पड़ा हुआ है, और ये बच्चों का उस दिन जब मैंने स्टार्टिंग में ये मेला दिखाया था आपको, शूट दिखाया था, आज भीड़ के कारण इसमें अंदर भीड़ रचना हो, ये चको बच्चे लगे हुए हैं, ये बच्चों ने हाथों से घुमाना है और किस्ती चलानी है, ये भी सही है, लगे हुए हैं बच्चे, लगे हुए हैं, देख सकते हो बच्चे हाथों से किस्तियाँ चलाने लगे हैं ऐसे गोल गोल घुमाने, ये जे 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 जे
तो ये सारे झूले ओवरऑल आज फुल है। पहले आपको ये नज़ारा दिखा देंगे, बोतलों वातलों वाला सिस्टम भी, तो उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे हो रखे है भीड़, हम लेंगे झूला, वो वाला नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे। उसका बेनिफिट बता देता हूँ कि इधर गीता जयंती भी दिख जाएगी और वो भी दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी ओवरऑल जो सारा अगर गाना चल रहा होगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा बैकग्राउंड का शोर, ठीक है। इधर बच्चे कर रहे हैं मस्ती मिकी माउस पे, ठीक है। इधर कई खाने वाले खा रहे हैं और कई झूले कूदने वाले कूद रहे हैं, ठीक है। तो भूतिया हवेली मैंने पहले भी दिखाई हुई है, गाने चल रहे हैं और केजे का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। वैसे ऐसे शोर में कॉपीराइट स्ट्राइक आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो हम उसको एडिटिंग कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ सारे झूले जाले मौत का कुआ सारा है, तो अभी हम जा रहे हैं उस झूले पे, ठीक है। जब वो झूला रुकेगा हम टिकट ले लेंगे, जब वो झूला रुकेगा तब देखेंगे। ये इधर चेक करो, छोटे वाला 50 रुपये का है, रेट भी लिखे हुए हैं और जो खोली की तरह चल रहा है। चेक कर रहे हैं पूरा ऐसी की तैसी हो जाती है, काफ़ी देर फिर एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो अलग लगता है, ठीक है। बाकी चश्मे चुश्मे मेले में से कहते हैं चश्मे लेने वो लेने, तो देख रहे हो हमने उस पर बैठना है, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हो, ये 50 रुपये वाला झूला है, ठीक है। पर हमने लेना वो बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला लेंगे। और बस वहीं से आपको सारा गीता जयंती का मेला लगेगा, उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे, ठीक है। ये बच्चे डर भी रहे हैं, कई एक्साइटेड हो रहे हैं। और अब हम लेंगे टिकट, ठीक है, 10 रुपये, ठीक है, 70 रुपये भाई एक कटा हुआ है, तो टिकट लेंगे। टिकट ले लिया, अब हम आगे जाएंगे, देखना भैया। तो हम आगे जा रहे हैं और आप आगे जाके ये टिकट और आपको मिला सारा दिखाएंगे, टेंशन ना लो। और ये मेरी बल्कि यहाँ पे एंड कर दूँगा, उसके बाद दूसरी वीडियो बनाऊँगा जो वो भी डालूँगा, ठीक है। अभी तो ये देख सकते हो सारे मतलब की तैयार है झूले लेने के लिए, और बैक में काफ़ी भीड़ भी है, ठीक है। अभी मैं आपको झूला दिखाता हूँ जिसके ऊपर जाना है हमने, ठीक है। तो चलो ऊपर मुझे एक कमेंट करके बताना कि इसके ऊपर किस किस को डर लगता है और किस किस को लगता है कि हाँ भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस पर जा चुका हूँ, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो, ये चल पड़ा है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, मेले में पूरा लगी हुआ भीड़। और सपोज करो ये सारे 10 रुपये वाले एंट्री वाले हैं, इससे पता चल जाएगा कि हाँ भी जो आया हुआ मेला देखने वही अंदर एंट्री करेगा कि ऐसे स्वाद लेने के लिए आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो क्योंकि भीड़ है ना, खजा खाचा है, ऐसे वैसे नहीं है। अब हम इसके आ रहे हैं और मैं यहाँ इस चूल्हे पे मिनिमम जब मैं बैठा था तब तो मैं बहुत छोटा था, मुझे 7-8 साल का ही था, चाहे इससे छोटा था मुझे याद नहीं है। और तब गाना आया था, ये गाना हुआ था, ये सोच लो कब आया था, तब मैं बैठा था। और अभी ये साथ के साथ बैठाई भी आ रहे हैं, पर ये ना बंद है, ये भी बंद है, वो भी बंद है, वैसे बंद तो है ही है, कोई बात नहीं, हम शूट करेंगे, एडजस्ट करके शूट कर लेंगे, देख लेंगे कैसे शूट करना है। एक झूले में 2 जने बैठते हैं और डर किस किस को लगता है इस झूले में, मुझे कमेंट करके बताना। शूट इधर से बढ़िया आ रहा है, डर मुझे जरूर बताना कि किस किस को डर लगता है। और ये मैं ब्रह्म सरोवर दिखाने के लिए और मेला दिखाने के लिए इस झूले में बैठ रहा हूँ, वैसे पहली बार ये शूट कर रहा हूँ, कैसा लगेगा। तो अगर ये शूट बढ़िया रहा तो ड्रोन से सोचो कितना बड़ा मज़ा आएगा। झूला चल रहा है आप देख सकते हो, और ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ दूर करके, ये झूला चल रहा है वो चल रहा है और पीछे इधर भीड़ है, कई जने इस झूले को ही लेना चाह रहे हैं। मैं इस झूले पे वैसे ओवरऑल मैंने ये सारे झूले लिए हुए हैं, ये वंडरलैंड में लिया था, इसकी जगह प्लेन बना हुआ था, ठीक है ना, ऐसे ये बना हुआ है, उसमें प्लेन बना हुआ था और वो इससे छोटा था, थोड़ा छोटा था। और इसमें भी मतलब लगता कि हाँ अब गए अब इसमें जाएंगे, हम जा रहे हैं और पता नहीं तो बाद में जा रहे हैं। अभी वीडियो कह रहे हैं बाद में बनाइए, अब मैं इसमें बैठ रहा हूँ और हम बैठ गए साथ में, भाई बैठा है, ठीक है। ये हम जा रहे हैं ऊपर, झूले में बैठ चुके हैं और ये भाई बैठा है। भाई तो डर लगता है ना, कितना, थोड़ा बहुत कि ज़्यादा, थोड़ा बहुत आपको भी डर लगता है, इनको डर नहीं लगता। पर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर गीता जयंती है, मतलब इस साइड गीता जयंती है और इस साइड मेला है, तो चलो आपको दिखाता हूँ। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये झूला भर रहा है और ये चलेगा, पर ये ना खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया लगता है। जा रहे हैं हम ऊपर, ठीक है। तो पहले कुछ इधर का वेदर दिखाऊंगा, ठीक है, इधर का वेदर दिखाने के बाद फिर मैं इधर का दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और ये चेक कर सकते हो, अगर मैंने ज़्यादा बार किया इसमें टकरा सकते हैं, तो मुझे अंदर ध्यान से शूट करना है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो इधर का भीड़ और सारे मेले, पर इसमें ना सारा बंद सा हो जाता है, खुला होना चाहिए। तो ये देख सकते हो इधर, आप चेक करो
लग रही है ना छोटे वाला। अभी हम आते हैं, अभी हम हाफ में पहुंचे हैं, फुल पे नहीं पहुंचे। फुल पे पहुंचे को और मजा आएगा, ठीक है चेक कर लो। लग रहा है कीड़ी की तरह बच्चे लग रहे हैं, अगर मैंने बाहर निकला तो दिक्कत हो सकती है। जब चेक कर लो इधर गाड़ियाँ, चेक कर लो मिला, चेक कर लो। आई होप कि आपको ये शूट काफ़ी बढ़िया। मैंने सेल्फी स्टिक छोड़ी कर लिया, अगर बाहर किया तो दिक्कत हो जाएगी। ये देख सकते हो पीछे कीड़ियों की तरह बच्चे लग रहे हैं। अभी हम सबसे ऊपर है, मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो अभी हम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अब देखो सारा मेला कैसा लग रहा है, शूट चेक कर लो, बढ़िया मज़ा आ रहा है। यार करो यार सबसे ऊपर है, बस इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और भाई कैसा लग रहा है इतना ऊपर आके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा। ऐसे वाले हम सबसे टॉप पे बैठे हैं, बल्कि झूले का ये वाले शिखर पे बैठे हुए हैं, यहाँ जैसे ये है ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और मौत का गुआ ये चेक कर सकते हो, मौत का गुआ, ये सारा मेला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब झूला चल पड़ा है, और इसमें क्या है मतलब ओपन में ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब ये पूरा बंद है ना, तो बंद में जहर वाला मजा आ रहा है। बैक से वेदर से दिखाता हूँ, बैक से, ठीक है। अब देखो पूरा आप जैसे झूला आप झूल रहे हो, कैसा लग रहा है? अभी इसकी स्पीड और तेज होगी। फिर फायदा क्या, फायदा क्या अगर आंखें बंद कर ली तो? जे भाई बैठा हुआ है, और भाई को लग रहा है डर, आके खोल भाई, बढ़िया लग रहा, चिल आउट। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चुखो तुम नीचे का वेदर, ये गए ऊपर और ये नीचे। सोच करो अगर पैराग्लाइड, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको पैराग्लाइड में भी दिक्कत होएगी होएगी, ठीक है। और ये देख सकते हो इसमें थॉट क्या आता है, मैं बता दूंगा मैं आपको। इसमें थॉट ये आता है कि जब आप ऊपर जाते हो ना, जो आपका माइंड है वो ऊपर का पार्ट से सोचता है। ये देखो अब अगर ये अब ओपन होता तो ज़्यादा बेटर आता। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, अभी चलेगा ये? अभी चला नहीं, अभी बल्कि पूरी स्पीड पे नहीं चला। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसे ना नॉर्मली अभी वीडियो में फोकस है तो बस डर रहा है। ये भाई भी बैठा है एकदम अंतर ध्यान लगा रहा है, चिल आउट कर रहा है। भाई तो टेंशन ले, कोई बात नहीं, टेंशन ले। कहाँ से है? रामगढ़। ये कहाँ पड़ता है? पिपली के पास है। जब तू मेरे से बात कर रहा है तब तो ये डर लग रहा है, नीचे इसलिए आ रहा है कि तेरा ना जो माइंड है ना अभी ऐसे वाले झूले में बैठा हुआ है। जब तू बात करेगा ना तो ये कम डर लगेगा, जब तू कुछ और सोचेगा और कम डर लगेगा, आई समझ में? अब तू ये इधर से तो डर लगना नहीं चाहिए, इधर से तुझे डबल डर लगेगा, उधर से तो लगेगा नहीं, इधर से ज़्यादा डर लगेगा। इस साइड बैठेगा ना तो तुझे ज़्यादा डर लगेगा, इधर बैठ के देख ले। इधर से तू है ना फ्रंट में, ऐसा लगता है कि तू फ्रंट में से नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड्स भाई जब नीचे जाता है भाई को तब डर लगता है। और भाई ने नाम क्या बताया था? दवाइश। 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 ख्वाहिश। ख्वाहिश एक दुआ, नहीं दुआ नहीं, मन्नत, नहीं मन्नत ही होता, इच्छा, इच्छा, हाँ इच्छा, ख्वाहिश। और आपका नाम क्या है? इना। हिना इना, ओके। तो बस अब लगभग ये ख़त्म कर रहे हैं मुझे लगता है, और ये चल पड़ा है। और बैक का वेदर देखो और बाहर का वेदर कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता ये एंकल कैसा लगेगा, पर शूट कर रहा हूँ, दिक्कत ना आ जाए, अगर मोबाइल गिरा तो बहुत दिक्कत आ जाए। वैसे कैमरे में तो आपको क्या फील होना है ऐसे चेक कर सकते हो। हाँ इसमें ना खा पी के मत बैठना, अगर आप खा पी के बैठोगे तो आपका खर्चे पैसे जो भी आपने खाया सारा मूड खराब हो जाएगा। खाली पेट बैठना, जिनको डर लगता है वो ज़्यादा, अदरवाइज तो बस ठीक ही है। मैं काफ़ी टाइम बाद बैठा, पर फर्स्ट टाइम जो बैठा था सेम फीलिंग ही है, ठीक है। हाँ अगर दोस्तों के साथ होता तो मस्ती होती, जैसे कई होते हैं ना वो डरते हैं, तो बस यही होता है। भूत बंगला भी हाँ, तो बस आपको ऊपर से डरा। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब लगा कुछ कुछ जी, सारे शूट लेने की कोशिश की है मैंने, आपको सारे शूट दिखा दूंगा। अब ये फुल तेज है, बस अब ये स्लो होगा। आज के लिए इतने काफ़ी है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भंगूड़े में मैंने वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ब्रह्म सरोवर तो दिखाना भूल गया, ब्रह्म सरोवर दिखाता हूँ उसके बाद एंड। ब्रह्म सरोवर
अभी ये लास्ट गेट आया और ब्रॉन्ज ओवर, ये ब्रॉन्ज ओवर है, ये ब्रॉन्ज ओवर। बस आज के लिए इतने काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और बस नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, सतिंदर सरताज जी की वीडियो मिलेगी। और अगर सतिंदर सरताज जी की वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इस तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये है पार्ट वन, इसी की तरह पार्ट फोर बने हुए, आप पार्ट वन टू थ्री फोर देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू।